मेरी चाय बनी कि नहीं? देखो ना, बस मेरी पैन बहुत ढीली हो गई है। नाश्ते के लिए भजिया बनाने वाली थी। खाना बनाया और क्या बनाया? मेरी टाइम निकाल दो ना। बहू से कुछ सीख, बहू से कुछ सीख, बहू से कुछ सीख। पूरा एपिसोड देखिए Z5 पर। hey! आज कुछ है? हाँ हाँ, आज है, आज है, आज का है, आज कुछ है। कहाँ भूल रहे भैया? कहाँ है, कहाँ है? नहीं नहीं, कहाँ भूल रहे? अरे अरे, बुढ़ापे के साथ साथ याददाश्त भी बूढ़ेगी। कहाँ भूल रहे भैया? बहुत स्पेशल दिन है। हाँ, आज तो दारू पीने का दिन है ससुरा, कैसे भूल सकते। अभी लेके आते हैं। ओए ओए, कहाँ? ये हमारे घर का सामान है, बहुत मेहनत से कमाए थे इसको, बेच तो नहीं रहे का? बाबा, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? आपको बताया था ना, हम लोग नए घर में जा रहे हैं। अच्छा अच्छा, यही दिन है। चल थोड़े पैसे दे दे हमरे। बाबा, पैसे किस लिए चाहिए आपको? वो आज है ना, का है आज बता हमरे को, बता बता बता, हमरा जन्मदिन। अच्छा? बाबा, आप मुझसे झूठ नहीं बोल सकते, मैं अच्छे से जानती हूँ कि आपका जन्मदिन कब आता है। तू नहीं जानती है? जानती है बाबा, मुझे मालूम है आज आपका बर्थडे नहीं है। ठीक है, मरा दिन समझ के दे दे, मर जाते हैं, पैसे दे। बाबा, पैसों के लिए कुछ भी बोल सकते हैं ना, आपको पैसे नहीं मिलेंगे। जरा सोचिए तो, हम नए घर में शिफ्ट हो रहे हैं, हमारे इतने खर्चे बढ़ने वाले हैं, सोनू प्रणव को स्कूल में एडमिशन दिलाना है, उनका आना जाना, कपड़े, आपकी शराब के लिए हम पैसे नहीं दे सकते, हमें जाने दीजिए। अच्छा, ये तो बता कहाँ जा रहे हो? वो चौल में एक मकान भाड़े पर लिया है, बस वहीं जा रहे हैं। अरे तो ये चाल है ना, कहाँ जा रहे हैं? अब कब तक यहाँ पर रहूंगा, अपने घर जाना ही होगा ना। वैसे मैं शादी के बाद ही शिफ्ट होना चाह रहा था, लेकिन मकान नहीं मिल रहा था, बस अब मिल गया अच्छा मकान तो शिफ्ट हो रहे हैं। मनु, शशांक, निकलते हैं। हाँ। अच्छा सुन, देख, हम बूढ़े हो गए, हमरे को जरूरत पड़ेगी पैसे की। का है? हमरे को चौल का नाम बता दे। गरीब है, बूढ़े है, जरूरत पड़ेगी तो आ जाएंगे। आनंद निवास। चलिए ना आप भी हमारे साथ। आनंद, आनंद निवास? हाँ, वही जो थाने में है। काहे इतनी दूर जा रहे हो तुम लोग? पास में ही तो है, आप चलिए ना हमारे साथ, क्यों रुके हैं यहाँ पर? नहीं नहीं, तुम लोग जाओ, ठीक है, हम आएंगे जब पैसे चुंगे, हम आएंगे, जाओ चलते हैं। ठीक है ठीक है, क्या कर रहा है? सब सामान लेके जा रहे हो तुम लोग? है दुक्की? अरे वाह राघव, मजा आ गया। ये घर पहले ही खाली हो जाता तो रोज यहां मजा करते हैं भाई। अरे तो अब कर ले बकलोल, कौन रोका है तो रुको का, कर ले। अबे कौन है बे? अब्दुल होगा जाते। अब्दुल? ना ना, वो तो किसी काम से बाहर गया है, बोल रहा था नहीं आएगा। देख फिर कौन है, देख। दीपन जी, चाल चल के जा। अरे कौन है भाई? ओवी देशमुख। ओवी देशमुख,
बोल घर में नहीं है। एक मिनट रुक। क्यों पर? अरे खाली कह दे हम नहीं है घर पे। जाके बोल क्या कि हम नहीं है घर पे। ठीक है जा। पैसे का लफड़ा है। अरे नहीं चुप चुप चुप। और कहना हम घर पे नहीं। ठीक है ये राघव मात्रे का घर यही है क्या? हाँ घर तो यही है। अच्छा एक्चुअली मैं उन्हें थैंक्स बोलने आई थी। घर पर नहीं है मैडम वो। घर पर नहीं है। कब कब तक आएंगे? अब एग्जैक्टली तो कह नहीं सकता, तो उसको आने में बहुत टाइम लगेगा, रात हो जाएगी। एक्चुअली उन्होंने मेरी जान बचाई थी, मुझे हॉस्पिटल में भी एडमिट किया था। अच्छा उनका बेटा वो प्रशांत, प्रशांत घर पे है? नहीं नहीं वो भी घर पर नहीं है, कोई नहीं है। अच्छा मैं उनके लिए कुछ लेकर आई थी। रख दीजिए मैडम, रख दीजिए मैडम। कितनी अकेली होगी तेरे पिता, कैसे रही इतने सालों तक अकेली, क्यों हमसे इतनी छुपती रही? तूने इस बच्ची को अकेले पाला, तुझे ऐसा नहीं लगा कि तू अपने आई बाबा के पास वापस आ एक बार आ जाती होगी तो हम सब भूल जाते? क्यों तूने ऐसा किया बता, क्यों तू वापस नहीं आई? मेरे बच्चा क्यों वापस नहीं आई? कैसे आती? मेरी वजह से इतनी सारी प्रॉब्लम, मैं बहुत डर गई थी आई। मुझे लगा आप सब मुझसे नफरत करने लगे। तुझसे नफरत करते हैं बता, अपने बच्चे से कोई नफरत करता है? नहीं ना, कैसे मैं तुझसे नफरत करती हूँ अभी, कैसे तुझसे नफरत करती है? गलत फहमी ने तुझे इतने सालों तक हमसे दूर रखा होगी, तेरे बच्चे से मुझे इतना दूर रखा, कैसे मैं रही हूँ तेरे बिना? मैं जानती हूँ भाई, आई चल अंदर चल। भी, वो भी तुझे एक बात बताऊं, वो भी तुझे पता है हमें यहां तक कौन लेकर आया? इस लड़की की वजह से। भैया? हाँ, यही हमें यहां तक लेकर आई तेरे पास। आई? पर तू अकेले आई है? नहीं आई, मैंने तुझे प्रॉमिस किया था ना, मैं सब लोगों को लेकर आऊंगी साथ में। आजोबा, आसमान में जब तक सितारे रहेंगे हम एक दूसरे के सहारे रहेंगे, नजदीकियां या हो पूरा एपिसोड देखिए Z5 पर।